अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सब अच्छे होंगे बट मैं अभी कुछ बहुत ठीक नहीं हूँ। और आप लोग ब्लॉग देखेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग कहेंगे लेकिन इसमें तुम क्यों नहीं ठीक हो। तो मुझे हमदर्दी है उस इंसान से जिसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, आज ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। उस इंसान से मुझे हमदर्दी है और मुझे बुरा लग रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है लेकिन उसकी बात को कोई समझ नहीं पा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग नहीं शेयर करूँगी, कोई डेली रूटीन नहीं शेयर करूँगी आज। अगर आप लोग कहें तो हो सकता है कि आप लोग ये कहें कि मैं एक रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ, बट मैं अगर कहूँ तो मैं अपने दिल की कुछ बात आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आज की वीडियो सितारा यासीन, सलमा यासीन, नैना अकबर, असगर रईस, साजिद, इन सब के ऊपर होने वाली है। मैरिटल अफेयर का, सितारा यासीन का असगर रईस के साथ, तो उसके ऊपर मैं आज आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे ये भी कहेंगे कि हाँ, ये भी अपनी बहती गंगा में अपना हाथ धोने निकल गई हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है तो मैं अपनी बात को कमेंट में कहने से अच्छा है कि उस चैनल पर कहूँ, क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ सितारा यासीन की। मैंने शुरू से वीडियोज़ देखी हैं एंड मुझे उनके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और मुझे बहुत उनके ब्लॉग से सीखने को मिला कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे आपको अपने ब्लॉग्स स्टार्ट करने हैं, क्या क्या कैसे शूट करना है, सब कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला। तो उनको मैंने 9 to 10 months से उनको मैंने फॉलो करके रखा है। सलमा यासीन जब से ब्लॉगिंग कर रही हैं मैं उनको तब से देखती हूँ। बाकी सच कहूँ तो ना साजिद को मैं इतना देखती हूँ, ना ही मैं उनके घर में बहुत ज़्यादा किसी को नहीं देखती हूँ। हाँ, कभी कदार मैं नैना को देख लेती हूँ, बाकी मैं उनके घर में किसी के ब्लॉग्स नहीं देखती हूँ, लेकिन सितारा यासीन और सलमा यासीन के ब्लॉग्स मैं रेगुलरली देखती हूँ। तो अभी टॉपिक चला है पूरे यूट्यूब पर सितारा का रईस के साथ मैरिटल अफेयर, तो बहुत लोगों ने उस पर अपनी राय रखी है और ज़्यादातर लोगों ने उसमें अपनी यही राय रखी है कि सितारा गलत नहीं हो सकती है, सलमा यासीन झूठ बोल रही है, या सलमा यासीन ये सब व्यूज़ के लिए कर रही है और इसमें सितारा यासीन की गलती नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सलमा यासीन की भी गलती नहीं है इसमें, सबसे बड़ी गलती नैना की है, और ऐसे बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। तो बस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ यही चीज़ है, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे जो चीज़ लगती है और मैं जो चीज़ एकदम दिल से लगती है कि हाँ यही है, मैं वो चीज़ आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जब मैंने व्लॉग देखना स्टार्ट किया था सितारा यासीन का, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ सितारा यासीन के व्लॉग्स देखती थी। उनके व्लॉग्स देखते देखते फिर मुझे पता चला अच्छा, इनके घर में इनका भी व्लॉगिंग चैनल है, इनका भी व्लॉगिंग चैनल है, इनका भी है, तो ये सब मुझे पता चला। पर मैं सबसे ज़्यादा इनके घर में सितारा यासीन के व्लॉग्स देखती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बट जब मैंने सलमा यासीन के व्लॉग्स देखना स्टार्ट किए तो वो भी मुझे बहुत पर्सनली, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगने लगी कि अच्छा, 5 वक्त की नमाज़ी है माशाल्लाह, पर्दा करती हैं और साथ में थोड़ा सा अपने घर बार का भी बहुत सोचती हैं, तो उनको वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी दिल से। और दोनों बहनों का मुझे रिश्ता भी बहुत अच्छा लगता था। तो बात कहाँ से शुरू हुई फ्रेंड्स, पहले मैं आपको पूरी बात बताती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। सितारा यासीन बहुत बड़ी ब्लॉगर है और वो रहती हैं पाकिस्तान कराची में और उनकी बहन सऊदी अरेबिया में रहती हैं। तो अभी कुछ दिन पहले सितारा यासीन अपनी बहन के यहाँ घूमने गई थी, सऊदी गई थी, उन्होंने माशाल्लाह से वहाँ पे उम्रा भी किया था, तो वो वहाँ पे घूमने गई, 2 महीने रुक के आई, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और सलमा यासीन ने भी उनका बहुत वार्म वेलकम किया, मतलब उनको, सलमा यासीन को बहुत ज़्यादा खुशी थी कि सितारा यासीन आई हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया और बहुत खुश थी, उनके लिए वो हर चीज़ करती थी। उन्होंने अपनी जॉब पे भी फुल स्टॉप लगा दिया कुछ टाइम के लिए, वो सलून में जॉब करती थी, तो उन्होंने जॉब पे भी फुल स्टॉप लगा दिया कि अगर मैं जॉब करूँगी तो सितारा यासीन को कब टाइम दूँगी। तो उसके बाद सब कुछ अच्छे अच्छे से हो गया, माशाल्लाह उम्रा भी किया सितारा यासीन ने और उनके साथ अच्छे से रही भी, सब कुछ हुआ, फिर वो वापस पाकिस्तान आ गई। तो वापस पाकिस्तान आ गई, ओके, सब कुछ ठीक था। सलमा यासीन को कुछ भी नहीं पता था। कुछ दिनों बाद सलमा यासीन के चैनल पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी, जैसे कुछ दिन सलमा यासीन गायब हो गई, कुछ दिन उनके हस्बैंड असगर रईस गायब हो गए। तो
जब असगर रईस गायब हुए थे तो वो सलमा यासीन को ये बोल के गए थे कि मैं एक दिन काम पे जा रहा हूँ और एक दिन में मैं वापस आ जाऊँगा। और उसके बाद 8 दिन हो गए लेकिन असगर रईस वापस नहीं आए। सलमा यासीन, आप उनके चैनल पर जाके उनकी वीडियोस देख सकते हैं, वो भी बहुत परेशान थी। अपने बच्चों के बर्थडे पे भी असगर रईस नहीं आए थे तो वो बहुत परेशान थी उस टाइम पे। बट फिर 8-9 दिन बाद असगर रईस वापस आ गए। तो उसके बाद जब वो वापस आए तो फिर सब कुछ ठीक था। बट फिर सलमा यासीन को कहीं से उनके टिकट मिली क्राउन होटल की, जो कि पाकिस्तान में है। क्राउन होटल की टिकट मिली जो कि पाकिस्तान में है, और वो उनको असगर के पास से मिली, अपने हस्बैंड के पास से। तो उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की इस बारे में, क्योंकि पहले ही वो असगर रईस को और सितारा यासीन को पकड़ चुकी थी। मतलब उनको डाउट था, तो उन्होंने बहुत उस सब बातों पे वो भी किया, और बहुत वो बीमार भी पड़ी। उन्होंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया लेकिन कुछ हो नहीं पाया, वो बच गई। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गई, वरना किसी को कुछ भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उनके घर वालों का तो वो देख के, रवैया देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग बताते भी नहीं कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या, और वो बच गई। उसके बाद फिर उनके हस्बैंड ने कहा कि मेरा और सितारा का सिर्फ बातचीत का वो था, मतलब हम लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर करते थे और कुछ भी नहीं था। तो ठीक है, उन्होंने माफ़ कर दिया था उनको। उसके बाद जब उन्होंने क्राउन होटल का वो देखा तो उन्होंने अपने हस्बैंड से नहीं बोला, सलमा यासीन ने, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की। और तब उनको ये बात पता चली कि उनके हस्बैंड जो 8 दिन गायब थे वो पाकिस्तान कराची में क्राउन होटल में रुके हुए थे। तब उन्होंने सितारा यासीन की बहन की बेटी नैना अकबर को उन्होंने कॉल किया और उससे पूछा कि बताओ क्या बात है। तो नैना अकबर ने उसको पूरी बात बताई कि हाँ, उनके हस्बैंड पाकिस्तान आए थे और सितारा रोज़ रात को 10 बजे मिलने जाती और वहाँ से 7-8 बजे सुबह वापस आती थी, और ख़ुद नैना अकबर के हस्बैंड शाहरुख जो है वो उसको लेके जाते थे और लेके आते थे। तो कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी औरत अपने शौहर की ये बात सुन के कहाँ बर्दाश्त कर पाएगी। मतलब आप खुद सोचिए कि वो सुन रही है कि हाँ, उसकी खुद की बहन और खुद के शौहर, जिनके वो सबसे ज़्यादा करीब थी, उन्होंने मिल के उसको धोखा दिया है, तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी ये चीज़। तो उसको ये चीज़ बताई गई कि हाँ, वो आए थे और रोज़ रात को सितारा यासीन वहाँ जाती थी शाहरुख के साथ और सुबह लौट के आती थी। तो 8 दिन ये चलता रहा, उसके बाद फिर असगर वापस चले गए। तो आप खुद सोचिए कि ये बात सुन के एक औरत के दिल पे क्या बीत रही होगी। एंड एक बात और मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ फ्रेंड्स, कि जो सलमा यासीन ने पाक विलेज इनसाइडर करके जो भाई हैं, जिनका चैनल है यूट्यूब का पाक विलेज इनसाइडर करके, तो उनको उन्होंने ये चीज़ बताई थी। सबसे पहले सलमा यासीन की बात उन्हीं से हुई है, और उनको उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जैसे सऊदी में रहता है ना, कि रमज़ान के टाइम पे जैसे सितारा यासीन गई थी, तो सऊदी में क्या रहता है ना कि आप पूरा दिन जगते हैं और सहरी तक जगते हैं, फिर सहरी करके आप 4-5 बजे सोते हैं, तो फिर जहर के टाइम दोपहर में ही उठते हैं। तो इनका जो देवर है सलमा यासीन का, उसका रूम ऊपर है, और उसके रूम में जब देवर इनका काम पे चला जाता था तो उसके रूम में सलमा यासीन के हस्बैंड और सितारा यासीन मिलते थे, टाइम स्पेंड करते थे, और फिर जब उठने का टाइम होता था तो ये लोग नीचे आ जाते थे। मुझे नहीं पता ये चीज़ सलमा यासीन को कैसे पता चली, लेकिन सलमा यासीन ने पता चली होगी तभी उन्होंने ये बात बताई भाई। उसके बाद इन सब चीज़ों के होने के बाद ना उनकी माँ, ना उनके शौहर, ना उनकी फैमिली में कोई एक पर्सन भी सलमा के साथ नहीं था। मतलब सितारा यासीन माशाल्लाह बड़ी ब्लॉगर हैं और 8-8.5 लाख उनके सब्सक्राइबर्स हैं, 8.5 लाख से ज़्यादा थे बट अब कम हो के 8,32,000 कुछ ऐसे ही बचे हैं। तो इतने उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो लोग उनके खिलाफ़ खड़े होने से, उनके घर वाले तक उनके खिलाफ़ खड़े होने से डरते हैं।
हाँ ये बात सच है कि उनके घर वाले ही उनके खिलाफ खड़े होने से डरते हैं और वो इस चक्कर में सच्चाई का साथ भी नहीं देना चाह रहे हैं। मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है, उनको बस ये पड़ता है कि हाँ सितारा यासीन जिधर है बस वो चीज़ सही है, बाकी मुझे किसी का साथ नहीं देना है। क्योंकि अगर मैं किसी के, उनके खानदान में लगभग सभी का चैनल है, सब लोग अपना अपना चैनल बना के रखे हैं, तो उन्हें पता है कि अगर वो सितारा यासीन का साथ छोड़ेंगे तो उनका चैनल तो गया, तो इसीलिए वो लोग उसका साथ छोड़ने का तो उनका कोई प्लान नहीं। और फिर जब सलमा यासीन ने देखा कि कोई उनका साथ नहीं दे रहा है तो उन्होंने YT पे सारी बात बताई। अब इस पे कितने लोगों ने बोला कि आपको YT पे ये बात लाने की क्या ज़रूरत थी, आप घर का मैटर था तो घर पे ही उसको सॉल्व करते। तो गाइस मैं ये पूछती हूँ कि क्यों घर में सॉल्व करते? अगर आप YouTube पे हैं और जब सितारा यासीन YouTube पे है और सितारा यासीन के साथ कुछ गलत होता था तो सितारा यासीन क्या उस चीज़ों को YT पे नहीं बताती थी? क्या उसने कभी YT पे घर के अपने प्रॉब्लम्स नहीं लेके आई है? क्या कभी उसने सेकंड वाइफ के बारे में, कभी अपने हस्बैंड के बारे में उसने घर पे कुछ YT पे कुछ नहीं बताया है? तो जब वो चीज़ सितारा यासीन कर सकती है तो वो चीज़ सलमा यासीन क्यों नहीं कर सकती? जब उसको अपने खानदान का, अपने फैमिली में, अपने हस्बैंड का, किसी का साथ नहीं मिला, जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो हम लोग के पास आएगी, वो YT पे बताएगी कि YT पे उसको इंसाफ मिले। जहाँ सितारा यासीन इतनी अच्छी और इतनी प्यारी बन के हैं तो हम लोग को भी तो पता चलना चाहिए ना कि वो रियल लाइफ में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। इतना वो करने की वो नहीं है कि हाँ उसने क्यों लाए फैमिली मैटर्स, वो YT पे क्यों ला रही है, वो ये सब बात अपने घर में सॉल्व करे। अरे क्यों करे? जब हम सितारे यासीन के बारे में हर कुछ जानना चाह रहे हैं तो उसके अच्छे के साथ साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि वो किस चीज़ में बुरी है। तो ये सब बात हुई फ्रेंड्स। उसके बाद फिर सितारा यासीन के जितने भी चाहने वाले हैं उन्होंने सलमा यासीन को बहुत वो किया और कुछ लोगों ने सलमा यासीन का भी बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया, जिसके वजह से सितारा यासीन के कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ हज़ार सब्सक्राइबर्स कम हो गए। और ये बात सितारा यासीन को जाहिर सी बात है कि बहुत बुरी लगी। तो सलमा यासीन ने पहले ही अपने वीडियो में ये चीज़ बोल दी थी कि अगर कोई मुझे गलत साबित करना चाहेगा तो मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं जो मैं दे सकती हूँ, तो सोच समझ कर कदम उठाए। तो सितारा यासीन बहुत अच्छे बच्चे के तरीके से उन्होंने अपनी बहन के बारे में एक वर्ड गलत नहीं बोला और कहा कि मेरी बहन को गलत फहमी हो गई है। तो गलत फहमी हो गई है, उसकी कोई गलती नहीं है और वो भी परेशान है, वो ये सब व्यूज़ के लिए नहीं कर रही है ये वो। हाँ जहाँ व्यूज़ की बात आती है, कुछ लोग ये भी बोले कि सलमा यासीन ये सब चीज़ें व्यूज़ के लिए कर रही है, तो क्या उसको कम व्यूज़ आते हैं गाइस? क्या 1.5 लाख 2 लाख व्यूज़ कम है जो वो ये सब चीज़ें भी उसके लिए करेगी? तो हाँ तो मैं क्या बात कर रही थी कि सितारा यासीन बहुत अच्छे तरीके से बोली नहीं, ये सब व्यूज़ के लिए नहीं कर रही है, मेरी बहन को बहुत दर्द दुख हुआ है मुझे पता है, लेकिन उसको गलत फहमी हो गई है ऐसा वैसा। तो ठीक है उन्होंने ये वीडियो बना दी। उसके बाद एक बहुत अच्छे भाई हैं पाक विलेज इनसाइडर करके हैं, तो बहुत अच्छे हैं और एक पूरे YouTube पे मुझे उनकी ही बात समझ में आती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनकी बात से बहुत इंस्पायर होते हैं, इतना वो किसी रिएक्शन चैनल पे किसी से भी इतना इंस्पायर नहीं होते मुझे लगता है जितना उनकी बातों से इंस्पायर होते हैं। तो वो सितारा यासीन के सपोर्टर थे और हमेशा सच और हक की ही बात करते हैं, तो उन्होंने ये बात उठाई और उनको भी ये चीज़ पता चल गई कि इसमें गलती किसकी है। तो भाई जाहिर सी बात है कि उन्होंने सलमा यासीन से बात की, सलमा यासीन ने उनको प्रूफ्स दिए। प्रूफ्स ऐसे थे कि उन्होंने आईमो पे सितारा यासीन ने सलमा यासीन से बोला था कि आप मुझे माफ़ कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो सलमा यासीन ने कहा कि अब माफ़ करने की कोई बात नहीं है। और जब उन्होंने कहा कोई वीडियो की बात है जो कि अभी तक सामने नहीं आई है कि कौन सी वीडियो कैसी वीडियो, तो उन्होंने कहा कि वीडियो को YT पे ना लाएं सितारा यासीन ने बोला, तो सलमा यासीन ने कहा कि दफ़ा हो जाओ और ये वो। तो फिर वो बोलने लगी मर जाओ और मैं मर जाऊँगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अरे आपने जब अपनी बहन के बच्चों का नहीं सोचा
तो आप क्यों उम्मीद कर रही हैं कि आपकी बहन आपके बारे में सोचेंगी? तो सलमा यासिन ने, कोई भी औरत होगी तो जब उसको गुस्सा लगेगा तो वो बोलेगी। सलमा यासिन ने बोला, मर जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और क्राउन होटल में जो मज़े लिए हैं उसका तो तुम्हें अब वो देना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ये सारी बात हो गई। उसके बाद सलमा यासिन गायब है कितने दिनों से, और फिर उनका देखा देखी सितारा यासिन भी YT से गायब हो गई। मतलब अब वो YT पे 2 दिन से उन्होंने वीडियो नहीं डाली है, तो YT पे से वो गायब हो गई। तो YT पे से गायब होने के बाद उन्होंने उनके जितने मतलब अच्छे लोग हैं, जितने उनके सपोर्टर हैं सितारा यासिन के, उन सब कि हाँ तुम जाके मेरे लिए स्टैंड लो, मतलब तुम लोग जाके, जैसे कि जो भाई हैं वो उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं सलमा यासिन के लिए, और उनके बात से बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, बहुत लोग उनकी बात को दिल से सुनते हैं और दिल से मानते हैं, क्योंकि वो हमेशा सच बात करते हैं। तो जो उनके गिने चुने अब सपोर्टर बचे हैं, तो उनको उन्होंने बोला कि तुम भी जाके अब मेरे लिए स्टैंड लो। तो ठीक है, वो आए। अब इनके एक सपोर्टर हैं, तो उनका नाम है, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं इन लोग की वीडियोस बिल्कुल नहीं देखती हूँ, तो मैं आपको रुकिए देख के बताती हूँ। हाँ, इनकी एक सपोर्टर है मरियम फहद। वो ये सब बोल रही हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है कि सलमा यासिन सच बोल रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके पास क्या प्रूफ है कि सितारा यासिन सच बोल रही हैं? हमारे पास तो प्रूफ है ये। तो इनका ये कहना है कि IMO के प्रूफ झूठे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। फिर इन्होंने ही एक फेक चैनल बनाया पॉइंट ऑफ व्यू करके, जिस पे इन्होंने वीडियोस डाली और जिनके बारे में ये लोग सामने से नहीं बोल सकते हैं, जैसे पार्क विलेज इनसाइडर के बारे में जो भाई हैं उनके बारे में ये लोग नहीं बोल सकते अपने चैनल पर। तो उनके लिए, नदीम भाई के लिए, इन सब लोगों के लिए इन्होंने भी एक चैनल बनाया, फेक चैनल, जिस पे इन सब लोगों के बारे में इन्होंने बहुत बोला। और फिर तो उनको ऐसा लगा कि वो फेक चैनल बना रही हैं, तो किसी को ये चीज़ पता नहीं चलेगी, बट ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद यही सब बातें चल रही हैं, जो उनके सपोर्टर हैं उनको ये कह रही हैं कि हाँ आप मेरे बारे में स्टैंड लो। साथ में मुझे तो हैरत है, इन्होंने एक दिन अपनी, अभी 1-2 दिन हुआ है, इन्होंने अपनी अम्मी की वीडियो बनवाई और अम्मी से ज़बरदस्ती ये चीज़ बुलवाई। मतलब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है असगर उनके सामने हो और वो ये चीज़ बोल रही हूँ कि हाँ नैना ने सब कुछ करवाया है और उसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, सितारा यासिन का कोई कसूर नहीं है, सलमा यासिन तो आजकल मुझे दिखती तक नहीं है और मुझसे बहुत गलत तरीके से बात करती है, मतलब मुझसे पूछती है क्या हुआ क्या हुआ ये वो। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे उस टाइम सबसे ज़्यादा हमदर्दी उस टाइम मुझे सलमा यासिन से हुई कि जब आपको पता है कि आपकी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या गलत हुआ है आपकी बेटी के साथ, और फिर भी आप अपनी दूसरी बेटी की साइड ले रही हैं जो कि सच में गलत है। आपको अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, आप उसके साथ रह रही हैं, आपका हमेशा वो अच्छा देखती है, हर इंसान वीडियो में देख सकता है कि वो अपनी माँ का कितना सोचती हैं, और फिर भी आप अपनी दूसरी बेटी की साइड ले रही हैं जो कि सच में गलत है। माँ को कभी भी अपने बच्चों के गलत में उनका साथ नहीं देना चाहिए, और आप वही काम कर रही हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बताओ कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है कि अपनी एक बेटी को वो एकदम ही उस तरह गिरा दे कि उसके सच्चे होने पे भी उसको साथ ना दे। तो ठीक है, उनकी अम्मी की यही सोच है, तो वो अगर ऐसे ही करना चाहती थी तो उन्होंने वही चीज़ किया, उन्होंने सारा कसूर नैना पे दे दिया। जब उन्होंने सारा कसूर नैना पे दिया, तो जितने सब्सक्राइबर्स सितारा यासिन के, सलमा यासिन के, नैना के और जितने लोगों के भी सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो सब जाके नैना को उल्टा सीधा बोलने लगे कि नैना तुमने ये किया, नैना वो किया, नैना ऐसा, नैना वैसा। तो नैना की बस इतनी सी गलती है कि नैना ने बात को वक्त पे नहीं बताया। जब शाहरुख ले जाता था सितारा यासिन को, ले आता था, अगर तभी नैना हर कुछ बता देती तो वही ज़्यादा सही होता, बट उसने नहीं बताया। उसने, सलमा यासिन ने जब उनसे पूछा तब उसने ये चीज़ बताई। तो मुझे नहीं लगता इसमें नैना का कोई बहुत बड़ा रोल था,
अगर उनके अम्मी ने ये चीज़ बोल दी तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गई। सबने नैना को इतना बोला इतना बोला इतना बोला कि आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनका लाइव देखा जिसमें उन्होंने इतनी सारी नींद की गोली एक साथ खा ली। मतलब कोई इंसान को आप इतना फोर्स कर दे रहे हैं कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जा रहा है, कोई इंसान को आप इतना फोर्स कर दे रहे हैं कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जा रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ कि नैना अकबर ने ऐसा किया। मतलब मुझे इतना अफसोस हुआ कि वो जहाँ वो इतना खुश खुश रहती है, इतनी वो मतलब मुझे बहुत पसंद है नैना, बट इतना उसको मजबूर कर दिया गया कि उसने सुसाइड के लिए पिल्स ले ली। तो अभी कुछ देर पहले पाक विलेजर इनसाइडर भाई ने ही ये बात बताई थी कि हाँ वो अब खतरे से बाहर हैं, और फिर सारे लोगों ने उनकी लाइफ देख के तुरंत से कैमरा उठाया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। एक तो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, मतलब वो ये कह रही हैं कि मैं सितारे यासिन से मिलने जाऊंगी अगर मुझे टाइम मिला तो। अरे जब आपने लाइव देखा है तो आप पहले जाके नैना से मिलिए, देखिए कि वो कैसी है कैसी नहीं है। तो ये सारी बातें हैं और मतलब सब ठीक है सब ठीक है, लेकिन आप किसी इंसान को इतना मजबूर कर दें कि वो सुसाइड करने पे उतर आए, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक बात है सलमा की, तो मैं सलमा यासीन के साथ हूँ और मुझे लगता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, अभी भी हो रहा है, क्योंकि कोई उनकी साइड ही नहीं ले रहा है, कोई उनका साथ देने को रेडी ही नहीं है। नैना का साइड जब उनके सगे भाई नहीं ले रहे हैं तो सलमा यासीन का कहाँ से लेंगे। मतलब वो लोग अकबर ये दिलबर और बाबर की तो मैंने वीडियो देखी, तो उन लोग का कहना है ना मैं इधर हूँ ना मैं उधर हूँ, मैं एकदम बस अपना हूँ तो अपना ही हूँ, ना मैं इनकी साइड हूँ ना मैं उनकी साइड हूँ, क्यों नहीं हूँ। अरे आप कि गलत की भी साइड ले रहे हैं और सही की भी साइड ले रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो आप कहिए कि हाँ मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सितारा यासीन के खिलाफ खड़ा हो पाऊँ। तो ये सब बातें मुझे लगता है कि मतलब एक चैनल आपके लिए, हाँ एक नदीम भाई है, नदीम भाई जो है वो खड़े हुए अपनी बहन के लिए, बड़ी वाली बहन के लिए, सलमा के लिए, नैना के लिए, तो वो मुझे लगता है कि चलो ठीक है वो सच में सच का साथ देते हैं। बट बाकी इनके घर में सिर्फ चैनल के पीछे है, सब लोग सिर्फ चैनल के पीछे है। अगर मेरा मैंने सितारे यासीन का साथ छोड़ दिया तो मेरा चैनल चला जाएगा। अरे चला जाएगा तो चला जाए, बट आप लोग कैसे गलत का साथ दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सलमा यासीन से उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। पहले तो उनके साथ जो गलत हुआ वो हुआ, और उसके बाद अब और गलत ये हो रहा है कि सब सितारा यासीन का साइड ले रहे हैं। सितारा यासीन की बात अगर मैं करूँ तो उनके इतने से सब्सक्राइबर्स घटने पे उनको इतना अफसोस हुआ, और उनको अभी भी यही डर है। देखिए मैं ये कहती हूँ कि अगर उनसे गलती हुई है तो वो उस गलती को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, ठीक है आपको कोई फांसी पर तो नहीं चढ़ा देगा, जो भी आप माफ़ी मांग लें, गलती हर इंसान से होती है, आप उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लें। आप उस चीज़ को छुपाएंगे तो देखिए सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। जब आपका मैटर था जिसमें आपने बोला था कि मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हुई है, तो उस पे भी कितने लोगों ने जब सवाल उठाए, कितने लोगों ने सवाल उठाए कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, हुई नहीं है, वीडियो फेम के लिए कर रही है, ये व्यूज़ के लिए कर रही है। बट सच्चाई तो सामने आई ना, आपके हस्बैंड की दूसरी शादी हुई थी तो वो चीज़ सामने आई। तो ऐसे ही सच्चाई तो सामने आनी है, चाहे आप लाएँ चाहे ना लाएँ। तो प्लीज़ आप सच्चाई को कबूल कर लें। और सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रही है सलमा यासीन के शौहर पे, जो कि अपनी गलती करने के बाद उस पर पर्दा डाल रहे हैं। मतलब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने ही नहीं चाहते, वो उस पर वापस से पर्दा डाल रहे हैं कि मैंने ये सब किया ही नहीं है। तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कि गलत हो रही हैं सलमा के साथ, नैना के साथ। नैना के साथ बहुत गलत हुआ, जिस चीज़ की वो हकदार नहीं थी, उसने एक छोटी सी गलती की थी जिसका कोई रोल नहीं है। अगर सलमा यासीन को उनसे नहीं पता चलता तो किसी और से पता चल जाता, बट पता चलते ही चलता, तो उनका ऐसा कोई वो नहीं है। बस ये है कि जो हुआ बहुत गलत हो रहा है, और जो नैना के साथ हुआ वो भी बहुत गलत हुआ, जो सलमा के साथ हो रहा है वो भी बहुत गलत हो रहा है। तो प्लीज़
जो भी सितारे यासीन के सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको भी कहूँगी कि आप लोग एक बार आंखें खोलिए और देखिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सितारा यासीन खुदा नहीं है जो वो हर जगह सही हो सकती है, उसकी गलती हो सकती है और उसकी गलती 110% है, क्योंकि एक औरत एक YouTube चैनल के लिए या फेम पाने के लिए जो कि ऑलरेडी फेमस है, जिसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 1-2 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको व्यूज़ की क्या ज़रूरत है या उसको फेम की क्या ज़रूरत है? तो वो इंसान अपने 18 साल की मैरिज को ख़राब नहीं करेगा, अपने इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा, अपनी बहन को अपने शौहर को इस तरह से बदनाम नहीं करेगा सिर्फ फेम के लिए। उसके ऊपर जिसके ऊपर बीत रही है उसको ये चीज़ पता है कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, नैना ने सुसाइड करने की कोशिश की, तो ये सब सच है तभी ऐसा हो रहा है। एंड बस ये है कि वो अपनी गलती माने और इस मामले को ख़त्म करे। बाकी अभी YouTube पे बहुत लोग हैं जो सितारा का साइड ले रहे हैं, बहुत लोग हैं जो सलमा का साइड ले रहे हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सारी फैमिली सिर्फ व्यूज़ के लिए सब कर रही है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सलमा यासीन ये सब व्यूज़ के लिए कर रही है, क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई कि कोई औरत इस तरह नहीं कर सकती। और आप लोग नैना को और सलमा को कोसना बंद करें, क्योंकि उन लोग के साथ वैसे ही बहुत गलत हुआ है, उनके साथ और गलत ना करें। और दुआ करें कि नैना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और मैं भी यही दुआ करती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और ये दुआ करती हूँ कि ये मामला जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोग अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे दिल में जो था मैंने आप लोगों के सामने रखा, मुझे जो सही लगता है वो चीज़ मैंने आप लोग को बताई। और बस अगले वीडियो में मिलते हैं, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी सब दुआ करिएगा कि नैना जल्दी से ठीक हो जाए, सलमा यासीन को अल्लाह ताला सब्र दें और सलमा यासीन की भी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, वो फिर से अपनी ज़िंदगी अच्छे से स्टार्ट करें, और सितारा यासीन भी अपनी गलतियों को मान ले, दूसरा उसके साथ भी कुछ इतना बुरा ना हो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।